गणतंत्र दिवस के दूसरे दिन इंदौर पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर एंटी माफिया अभियान शुरू कर दिया है, जिसके चलते जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम पवन नगर पहुंची, जहां राशन माफिया श्याम दवे के अवैध मकान को जमींदोज किया गया। इंदौर जिला प्रशासन ने एक बार फिर राशन माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते बुधवार को जिला प्रशासन, पुलिस और नगर की टीम मूसाखेड़ी पहुंची, जहां पवन नगर स्थित राशन माफिया श्याम दवे के अवैध मकानों को जेसीबी की मदद से जमींदोज किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने निगम नक्शे के विपरीत मकान बनाया था। कार्यवाही के दौरान पुलिस प्रशासन के साथ साथ निगम अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। पिछले करीब 3 महीनों से माफिया के विरुद्ध और गुंडों के खिलाफ यहाँ कार्रवाई चल रही है इंदौर शहर में, और ये कार्रवाई जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई है। अभी पिछले दिनों जो राशन माफिया का मामला बड़ा उजागर हुआ है, भरत दवे, श्याम दवे और अन्य लोगों का, उसी में से ये मकान है। आज इनके कुल 4 मकान, स्वामित्व के 4 मकान हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। एक मकान तो पूरा तोड़ना था, जो कि मूसाखेड़ी में था, जो नंबर 18 के सामने, उसको हम लोग तोड़ चुके हैं आज ही। और ये दूसरा मकान है, इसमें ये मकान यद्यपि मंजूरी लेके बना था, लेकिन इसमें मंजूरी के खिलाफ बहुत कुछ बना लिया उन्होंने। तो इसमें सामने से 3 फीट एक तरफ, एक बगल में 3 फीट और एक बगल में 5 फीट, इस तरह से इसको तोड़ना है, और ऊपर की पूरी मंजिल अवैध है, जो पूरी तोड़ी जाएगी। इसके अलावा इसमें 3 बड़े बड़े आंगन जैसी दिए हुए थे नक्शे में, लेकिन इन्होंने उसका उल्लंघन करके उसको पूरा कवर कर लिया है। तो वो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मशीनें बुलाई हैं, कटर, उसके माध्यम से वो छतें काटने का काम चल रहा है। तो इसके अलावा आज इनके 2 मकान इसी इलाके में और हैं, जिन इसकी तोड़ाई के बाद जो है उनको भी तोड़ा जाएगा।